वास्तु स्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है। एक वीरनिया अनुसूचित जाति टोला से देवघर सुल्तानगंज मेन रोड तक पथ। उक्त पथ अलाइनमेंट में एकमात्र बसावट वीरनिया अनुसूचित जाति टोला अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष MMGSY अंतर्गत निर्मित आदिवासी टोला करण दिया से बीरनिया PMGSY दमर कोला पथ से प्राप्त है। उक्त बसावट के अलावा कोई अन्य योग बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क से शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरा, सिलुआ डाक बंगला से खुजुरिया गांव तक पथ। उक्त पथ वन क्षेत्र में पड़ता है जो वन विभाग की जमीन है। वन विभाग से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है। वन विभाग से अनापत्ति मिलने के उपरांत पथ का निर्माण कार्य कराया जाना संभव होगा। अध्यक्ष महोदय, वास्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 800 मीटर है जो ईटीकृत है, और इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आईडी 23746 है। तत्नुसार अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री से चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनवा दीजिए। बहुत लोगों को कठिनाई है वहां, संपर्क रोड कहीं से है नहीं, एकदम कच्ची में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बरसात के दिन में बहुत कठिनाई होती है। माननीय मंत्री जी, ठीक है, इसमें सर्वे करा लिया गया है, आईडी जनरेट कर दिया गया है, हम लोग निधि की व्यवस्था करा करके इसको करवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। जवाब नहीं मिला है सर। जवाब नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय मंत्री जी, वास्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के निर्माण हेतु तकनीकी संभाव्यता की समीक्षा की जा रही है। तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रसर कार्रवाई की जाना संभव हो सकेगा। मुझे जो टेक्निकल जो है उसकी समीक्षा जो है विभाग को आदेश दिया गया है वो कर रही है, उसके उपरांत ही जो है आगे की कार्रवाई। ये बहुत जरूरी है महोदय। माननीय माननीय सदस्य, जल्दी हो जाएगा इसके लिए। सरकार काफी गंभीर है जी। जी, इसके लिए धन्यवाद। और कार्रवाई चालू है, इंतजार। महोदय, DPR बनाने की साफ दिया है, पुल निर्माण हेतु पथ का DPR को पुनरीक्षित किया जा रहा है, तत्पश्चात अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, किया जा रहा है ये हम समझते हैं, 2 साल से ये काम लंबित है और पुल के चलते रोड भी नहीं बन रहा है। रोड भी आपने दिया है, पुल के चलते रोड भी नहीं बन रहा है। DPR एक बार बन जाएगा, उसके बाद ही जो है आगे की कार्रवाई। माननीय सदस्य, मंत्री जी ने स्पष्ट आपको जानकारी देने का काम किया कि जो DPR है उसको रिवाइज किया जा रहा है, और रिवाइज होने के बाद से नियमानुसार आगे की कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे, आप संतुष्ट होइए। आंशिक स्वीकारात्मक है। वास्तु स्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों के संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नरत है। एक, GT रोड ठाकुरबाड़ी से पुराना पुल से ग्राम चंदा मोड़ होकर GT सूर्य मंडल तक, ये पतांश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नई दिल्ली के स्वामित्व में है। इस पतांश की मरम्मती हेतु NHAI से अनुरोध किया गया है। दूसरा, ग्राम पंचायत पट्टी के भेलवा गांव से चंदा मेन रोड तथा प्राथमिक विद्यालय भेलवा से नदी किनारा तक, यह पथ L022
T02 से गांगी नाम से PMGSY अंतर्गत निर्मित है, जिसकी लंबाई 4.80 किलोमीटर है। ये पथ वर्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। इस पथ की मरम्मती हेतु प्राकलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत प्राप्त है। समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी। इस पथ के आरेखन में ग्राम भेलवा एवं ग्राम गांगी के बीच पड़ने वाली इन बोड़वा नदी पर पुल PMGSY अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसका पैकेज संख्या BR12R1126 है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।